आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही खास मजेदार और यूजफुल सिलाई की टिप्स। मेरा सिलाई का काम बहुत ही कम समय में आसानी से और स्मार्ट तरीके से हो जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल, क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखते हैं टिप नंबर वन। हमारे घर में कई ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर इस तरह की एल्यूमिनियम फॉइल आती है। अगर आपके पास ऐसी नहीं है तो आप खाली मेडिसिन यानी गोलियों के जो पैकेट्स रहते हैं उनको भी ले सकते हो। ये खाली गोलियों के पैकेट्स है, ये पूरी तरह से इस तरह से एल्यूमिनियम के ही होने चाहिए, प्लास्टिक कवर है तो ना ले। तो इस तरह के पैकेट्स आपको मिल जाएंगे। तो बस इसे मैंने यहाँ पर वॉश करके लिया है क्योंकि ये चीज के ऊपर का लेयर था, इसलिए मैंने वॉश करके लिया है। इसे मैं इस तरह से फोल्ड करके लूंगी। ये काफी पतला है इसलिए मैं इसको फोर फोल्ड करूंगी। अगर आपके पास थोड़ा सा मोटा है, जैसे गोलियों के पैकेट्स थोड़े से मोटे होते हैं, इनको बस डबल फोल्ड ही रखना है। तो ये पतला है इसलिए मैं इसको फोर फोल्ड करके लूंगी। अब इसके नीचे रखने के लिए मैं कॉटन का कपड़ा लूंगी क्योंकि इसे हमें मशीन के ऊपर चलाना है, और अगर हम मशीन के ऊपर चलाते हैं तो इसके टुकड़े हो जाते हैं और ये नीचे की तरफ जाकर ना फंसे, इसलिए कॉटन कपड़ा लिया है। अब सुई में से धागे को निकाल देना है। बिना धागे के 3 से 4 मिनट तक मैं इसी एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर इसको गोल घुमाते हुए चलाऊंगी। इस घर्षण से सुई का जो पॉइंट होता है वो काफी स्मूथ होता है। अगर उसके ऊपर सुई के ऊपर कोई जंग वगैरह पकड़ा है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, सुई की लाइफ बढ़ती है और इसका परफॉर्मेंस भी पहले से काफी काफी बेटर रहता है। अगर आपकी सुई हल्का सा धागा खींच रही है, कपड़ा खींच रही है, उसके धागे निकाल रही है, तो ये ट्रिक तो आपको करनी ही चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि इससे पूरी तरह से आपकी सुई ठीक होगी, लेकिन पहले से काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। तो महीने में एक बार तो मैं इसे जरूर करती हूँ। कॉटन कपड़ा लेने का फायदा देखो, जब हम सुई चलाते हैं तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल जाते हैं। अब ये पार्टिकल्स यहाँ पर जाकर अटक न जाए इसीलिए हमने कॉटन कपड़ा लिया था। आप डबल कपड़ा भी रख सकते हो। इसी एल्यूमिनियम फॉइल का उपयोग टिप नंबर दो में करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कैची ली है। काफी बार कैची की जो धार होती है वो कम हो जाती है, तो एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर इसे चलाने से इसकी धार जो है वो पहले से काफी हद तक अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से बीच बीच में हमें कैची की सुई की सर्विसिंग करवानी चाहिए। तो जैसे आप देख पा रहे हो, मैं बस पॉइंट से ही इसको चला रही हूँ क्योंकि पॉइंट की तरफ मेरी कैची की धार थोड़ी कम हो गई थी। से कम 5 से 10 मिनट तक चलाना होगा तभी जाके इसकी धार वापस आएगी। तो इसीलिए जो खाली गोलियों के पैकेट्स थे एल्यूमिनियम से बने हुए होते हैं वो मैंने लिए हैं, उसके ऊपर मैं चला रही हूँ। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो बर्तन मांजने का जो स्क्रबर रहता है हमारा वो भी तार का होता है, तो उसके ऊपर भी आप 5 से 10 मिनट तक कैची को चला सकते हो, जिसके आपके कैची की धार फिर से वापस आ जाएगी। अच्छे परिणाम के लिए आप नया स्क्रबर ले जिससे इसकी तेज धार बन जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे टिप नंबर तीन। कई बार डेनिम के ऊपर, मोटे कपड़े के ऊपर, जींस के ऊपर सिलाई चलाते वक्त हमारी जो मशीन की सुई होती है वो गर्म हो जाती है, बेंड हो जाती है, टूट जाती है या फिर सिलाई नहीं आती। तो ये सारी परेशानियों का हल बस एक छोटी सी ट्रिक है। यहाँ पर आपको बाथ सोप लेना है, आपका नहाने का कोई सा भी साबुन आप ले सकते हो। जहां पर आपको सिलाई लगानी है उस एरिया में इसे घिसकर लगाना है। ध्यान रखिएगा, साबुन हमारा गीला नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए। तो यहां पर मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया, अब मैं नीचे की तरफ भी इसको इस तरह से घिसकर लगा रही हूँ। तो ये अच्छे से हमें लगाना है ताकि कपड़ों के अंदर के रेशों में भी ये चला जाए। तो यहां पर मैंने लगा दिया है। अब ये जो मेरी जीन्स है ये मेरी कमर में बहुत लूज हो रही थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर छोटा सा डार्ट लेने वाली हूँ। सुई के ऊपर भी इसको अच्छे से घिसकर लगाना है और फिर देखिएगा, ये सुई जो होती है सुई के ऊपर की तरह साबुन की मदद से बहुत सॉफ्ट हो गई है और कपड़ों के रेशों में भी ये साबुन चला गया है, जिससे सुई को कम घर्षण करना पड़ता है और बहुत ही स्मूथली ये चल जाती है और सिलाई भी आती है। और इससे ना ही सुई गर्म होने का डर है, पेंड होने का डर है, और ना ही सुई टूटने का डर रहता है। कैसी लगी ये टिप मुझे जरूर बताना और जरूरत पड़ने पर इसे ट्राई भी जरूर करना। अब बढ़ते हैं आगे नंबर तीन। आप इलास्टिक वाला स्कर्ट प्लाजो बना रहे हो
तो उसमें इलास्टिक कितना डालना है ये डिपेंड करता है इलास्टिक के चौड़ाई के ऊपर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर तीन प्रकार के इलास्टिक लिए हैं, 1 इंच चौड़ा, 1.5 इंच चौड़ा और 2 इंच चौड़ा। पहले देखेंगे 1 इंच चौड़ा वाला इलास्टिक हमें कितना लेना है। कमर की गोलाई मेरी 33 इंच है, तो उसमें से मैं 4 इंच कम कर दूंगी तो मेरा आ गया 29 इंच। तो इसे मैं कट करूंगी 29 इंच पर, और वो भी पूरे सिलाई मार्जिन के साथ, मैंने बताया है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपका 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक है तो वो कितना लेना है, तो कमर की गोलाई में से आपको उसे 3 इंच कम रखना है। जैसे मेरे 33 इंच में से मैं 3 इंच कम करती हूँ तो मेरा आता है 30 इंच। इस 30 इंच में मैंने सिलाई मार्जिन पकड़कर ही बताया है, तो इसे मैं बराबर से 30 इंच पर कटिंग करूंगी। अब देखते हैं 2 इंच चौड़ा वाला इलास्टिक है तो उसे कितना लेना है। तो इस इलास्टिक को आपको कमर की गोलाई से 2 इंच कम रखना है। जैसे कि मेरी कमर है 33 इंच, तो उसमें से 2 इंच में कम करती हूँ तो 31 इंच बचता है। और ये भी सिलाई मार्जिन के साथ मैंने 31 इंच का नाप बताया है। इन फॉर्मूलाज की मदद से आप अपने स्कर्ट में, प्लाजो में एकदम परफेक्टली इलास्टिक लगा सकते हो। तो जैसे जैसे इलास्टिक की चौड़ाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका खिंचाव कम होता जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, टिप नंबर 4। सभी को पता है लूप से बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनते हैं पैंट, प्लाजो, स्लीव्स, नेक के ऊपर। तो उसके लिए डोरी के छोटे छोटे पीसेस करने होते हैं। अब ये छोटे छोटे पीसेस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हर एक पीस को नाप के देखना, फिर उसे कट करना। तो ज्यादा संख्या में अगर हमें कटिंग करना हो तो इस तरीके से हमारा बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। हमें यहाँ पर कंघी लेनी है, और कंघी के जो दांत होते हैं उसके ऊपर हमें जितना लंबा पीस चाहिए उतना हम यहाँ पर रैप करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर कंघी के 3 दांतों को लिया है और इस तरह से इसको गोल गोल घुमाते हुए मैं इसको रैप करूंगी। यहाँ पर हमें ज्यादा टाइट नहीं पकड़ना है, जितना हो सके उतना हम लूज ही छोड़ेंगे। तो लूज इसलिए छोड़ना है क्योंकि इसके अंदर कैची जाए और ये एक साथ कटिंग हो। तो जैसे आप देख पा रहे हो, मैंने इसको हल्का सा लूज ही रखा है इस तरीके से। अब जितना हो सके मैंने उतना इसको रैप कर दिया है, और किसी एक जगह से 2 दांतों के बीच में हम कैची को डालेंगे और इसे एक साथ कट कर देंगे। तो ये बिल्कुल एक साइज में छोटे छोटे पीसेस एकदम से कट हो चुके हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और मेहनत भी कम लगेगी। तो ये ट्रिक आप जरूर आजमाइएगा, जिससे आप बहुत सुंदर सुंदर लूप्स के डिजाइन्स बड़े आराम से बना सको। तो कैसी लगी ये टिप, ये भी मुझे आप जरूर बताना। अब देखते हैं टिप नंबर 5। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे बटन्स है, शो बटन्स है, छोटे छोटे बटन्स है, इस तरह के बहुत ज्यादा बटन्स है। जब भी मुझे जरूरत पड़ती है तो एक जैसे बटन्स मिलने में, ढूंढने में काफी परेशानी होती है। तो इसीलिए आपके पास ऐसे बड़े वाले सेफ्टी पिंस रहते हैं, जिसमें आप इस तरह से साइज वाइज या फिर कलर वाइज बटन्स को अलग अलग करके पिंस में डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर हरे रंग के बटन्स डाल दिए हैं इस पिन के अंदर, और इस पिन को मैं कोई भी मेटल का बैंगल लूंगी या फिर प्लास्टिक का बैंगल आप ले सकते हो और उसमें इस तरह से रख सकते हो। और यहाँ पर मैंने सारे बटन्स को अलग अलग करके इस पिन में लगा दिया है, ताकि जब भी मुझे जरूरत पड़े तो आराम से मैं इनको निकाल सकूं। और ये बहुत ही स्मार्टली अरेंज भी हो जाते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अब देखते हैं हमारी अगली टिप, टिप नंबर 6। जब भी हम किसी बॉक्स में हमारे रील्स को रख देते हैं तो इस तरह से मैश हो जाता है, पूरे धागे एक दूसरे में उलझ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, आपको रील को लेना है और उसे यहाँ पर चाकू से कट देना है। ये जो कट है ये दोनों साइड में लगेगा, इस और भी और इस और भी। अब हमें रील का धागा निकालना है और उस दोनों कट के अंदर डाल देना है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये धागा तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप इनको निकालते नहीं हो। ये बहुत ही टाइटली बैठ जाते हैं, और इसी तरीके से सारे रेल्स को मैंने कर दिया है, ताकि ये जब भी मैं किसी बॉक्स में रखूँ या कहीं पर भी रखूँ तो इनके धागे नहीं निकलेंगे, और धागे नहीं निकलेंगे तो ये एक दूसरे में उलझेंगे नहीं। चाहे आप इसको कैसा भी रखो, इसके धागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। अब इस तरह से भी रखना आसान लगता है कि, लेकिन ऐसे अगर ये खड़े ही रहते हैं तो हमें ढूंढने में बहुत आसानी होती है। इसके लिए आपके पास कोई भी कार्डबोर्ड का बॉक्स हो आप ले सकते हो। मेरे पास ये फोन का बॉक्स है तो वो मैं वही यूज कर रही हूँ।
यहाँ पर लिया है ये डबल साइडेड टेप, ये मैंने अमेजोन से लिया है, और अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इसकी पट्टियां काटकर मैंने यहाँ पर लगा दी है, और इसके ऊपर की एक तह होती है वो भी मैंने निकाल दी, तो ये दोनों साइड से चिपकता है। नीचे से भी इसने बॉक्स को पकड़ के रखा है और ऊपर की साइड में भी इसकी चिकनाई रहती है। तो इसी तरीके से बॉक्स में जितने बैठ रहे हैं उतनी पट्टियां मैंने लगा दी है। अब मैंने रील लिए हैं, और इन रील को आप इस तरह से खड़े करके रख सकते हो, ये आसानी से इसके पट्टी के ऊपर चिपक जाएंगे। जैसा चाहे आप उसे वैसा अरेंज कर सकते हो। मैंने हर एक स्ट्रिप के बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस छोड़ा है ताकि मैं हाथ डालकर इनको आसानी से निकाल सकूं, और ये बिल्कुल चिपक के बैठेंगे, बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार चिपकेंगे, आप इसको निकाल कर यूज करके फिर से चिपका के रख सकते हो, ये लॉन्ग टाइम चलेगा। और हमें कौन सा इसे बहुत ज्यादा इसके साथ खेलना है, बस ये खड़े रहें इतना ही हमारे लिए काफी रहता है। तो ये आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये बैठते हैं, और हमें ढूंढने में भी आसानी होती है, और बॉक्स भी हमारा बहुत स्मार्ट दिखता है। अब मैंने यहाँ पर ये पिंस लिए हैं, ये जो पिंस है इन पिंस को मैं इस तरह से बॉक्स के जो किनारे हैं वहां पर लगा के रख दिया है, जो कि ये कार्डबोर्ड का है तो पिंस आसानी से घुस जाते हैं, और यहाँ पर मैंने बॉबिंस को रख दिया है। इस तरीके से अगर आप रखते हो तो आपका ना ही सेविंग बॉक्स में मेस होगा, बल्कि आपको भी ये दिखने में अच्छा लगेगा, और आपको जब भी जरूरत पड़े आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि आसानी से आप इससे निकाल सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर रील्स रखने हैं तो आप रील्स को भी लगा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सारे टिप्स ट्रिक्स आपको कैसे लगे ये मुझे नीचे आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल रहा हो, तो इसे एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, धन्यवाद।